तो सो गाइस, आज एक पनीर का न्यू रेसिपी बताने वाले हैं। चलिए पनीर को पहले हम फ्राई कर लेते हैं, इसे निकाल लेते हैं भूंज कर। तो देख सकते हैं गाइस, भुंजा गया, हल्का फ्राई हो गया। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, एक न्यू रेसिपी बताएंगे, बहुत अटकर रेसिपी रहेगा पनीर के ऊपर। तो चलिए हम आलू को पीसे पीस टुकड़े टुकड़े काट के इसको भी फ्राई कर लेते हैं। एक कच्चा आलू है, चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। देख सकते हैं गाइस, वो ऑलरेडी फ्राई हो चुका है हल्का ब्राउन। इसे हम एक प्लेट के निकाल लेते हैं, आलू को भी निकाल लेते हैं। तो आलू को प्लेट में निकाल के बाद एक कढ़ाई में जो तेल बचा उसमें चरपत्ता ऐड कर दिए। इसमें जीरा हम ऐड कर दिए, देख सकते हैं थोड़ा सा हम जीरा हम इसमें ऐड किए हैं। इसमें हरा मिर्चा भी हमको ऐड कर देना है। तो चलिए गाइस, हम इसमें हरा मिर्चा ऐड कर देते हैं, एक पीस हरा मिर्चा तो ऐड कर दिए। इसमें जो प्याज लंबा लंबा प्याज को काट लीजिएगा, शिमला मिर्च को काट लीजिएगा, टमाटर को काट लीजिएगा। टमाटर जो सब चीज़ लंबा लंबा आपको काटना है, छोटे छोटे नहीं, जिस तरह से हम काटे उस तरह से आपको काट लेना है। चलिए इसमें नमक हम ऐड कर देते हैं, नमक को भी चला लेना है, और नमक से चला उसको गल जाता है। तो ऑलरेडी भुंजा गया गाइस, देख सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी पाउडर डालेंगे, चुटकी भर हल्दी पाउडर आधा चम्मच, और यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट है तो वो भी हम ऑलरेडी डाल दिए। यहाँ पर जो भी मसाला नॉर्मली मसाला होता है, मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर हम ऐड कर दिए हैं, जीरा पाउडर इसमें हम ऐड कर दिए हैं, और गरम मसाला इसमें हम ऐड कर दें। इसे हम भून लेते हैं। तो चलिए गाइस, इसे हम भून लेते हैं अच्छा तरीका। तो देख सकते हैं गाइस, भून गया। इसमें टमाटो सॉस पिज़्ज़ा सॉस के साथ हम एक साथ मिक्स करके इसको डाल देते हैं। इसका फ्लेवर और बहुत टेस्ट वाला होता है गाइस। थोड़ा सा डाल देते हैं, इसमें थोड़ा सा ब्रिंगल भी डाल देते हैं, तो खाके इससे थोड़ा सा और लाजवाब टेस्ट आ जाता है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा एक ढक्कन तक डालें इसको, इसे हम चला लेते हैं गाइस। आप लोग को चला लेना है 2 मिनट तक इसे, ताकि भून जाए, मिल जाए सारा मसाला में। हम मटर छेमी सॉस को इस्तेमाल किए, तो मटर छेमी आप लोग खाने का मन डाल सकते, भून दीजिए मटर छेमी, आप लोग खाने का इच्छा तो उठाइए। इसमें जो पनीर और आलू ऐड किए हैं भूंजे, तो वो ऐड कर दीजिए, और इसके साथ 2 मिनट तक भून लीजिए। जिस तरह से हम भूनेंगे, सारा मसाला को पेस्ट कर देना है, ऊपर से थोड़ा सा चुटकी भर धनिया का पत्ता ऐड कर दीजिए, बहुत स्वादिष्ट बनेगा। तो गैस भूंज आ गया, देख सकते तेल अगल बगल छोड़ दिया है। इसमें हम पानी हम ऐड कर देते हैं, 2 ढक्कन हम पानी ऐड किए, टिफिन के कटोरा से हम पानी ऐड कर दिए। इसे हम 2 मिनट तक ढक देते हैं, ताकि आलू और पनीर थोड़ा सा सीज जाए। तो चलिए गैस, इसे हम तोप देते हैं। उसके बाद 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं गैस, बनकर रेडी हो चुका है। लाल भी, लुक भी अच्छा लग रहा है, सारा पनीर आलू सीज गया है। तो चलिए, बनकर हो गया सब्जी तैयार। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि बेल आइकन को प्रेस कर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।